हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझने वाले हम प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखी जाती है बोर्ड एग्जाम में, और क्लास ट्वेल्थ का ये क्या है प्रैक्टिकल है, देखिए समझते हैं। ओके, इस तरीके से आपको मिलेगा शुरू में इसका पैटर्न। एकेडमिक ईयर है ये 2023 से 2024 में, जो आपको प्रैक्टिकल लिखना है वो इस तरीके से लिखेंगे, 2023 से 2024 के बीच में, 2024 के बीच में आपको प्रैक्टिकल लिखना है 2023-24 का। ओके, इस तरीके का पैटर्न है ये। यहाँ पर प्रिंसिपल के साइन होंगे, यहाँ पर एग्जामिनर के साइन होंगे। ओके, इस तरीके से टीचर इन चार्ज यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल कॉपी है, आपको प्रैक्टिकल कैसा लिखना है बोर्ड एग्जाम में वो समझते हैं। देखिए ये पीएच स्केल इसके कुछ दे रखे हैं, कौन से का क्या पीएच मान होता है उसमें ये दिखाया गया है। ओके, देखिए यहाँ पर ये एक पेरियोडिक टेबल दे रखी है याद करने के लिए। आपको जो प्रैक्टिकल लिखना है इस तरीके से लिखना है, ये बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है। किसका है? बायोलॉजी का फ्रेंड्स। देखिए समझते हैं, पहला प्रयोग है इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर वन। ओके, हैलाइड पर पराग अंकुरण का अध्ययन। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप उद्देश्य, उद्देश्य में जो इसमें पूछा गया हो प्रैक्टिकल में वो लिखना है, मेन थ्योरी लिखनी है। चीनी के 10% घोल में पराग कण का अनुकरण का अध्ययन करके इसको समझाना है। चीनी के 10% घोल में पराग कण जो भी होते हैं उनका अनुकरण करके उनका अध्ययन करना है। तो देखिए दूसरी हेडिंग लगाएंगे आप आवश्यक सामग्री, इसमें कौन कौन सा सामान चाहिए इस प्रैक्टिकल में वो लिखा जाएगा। भिंडी पोस्ट के परागकण इसमें ये चाहिए, चीनी का 10% घोल चाहिए, बोरोन, और यहाँ पर चाहिए कैल्शियम हैलाइड, और चाहिए आपको प्लाविंग पेयर और शुद्ध सूक्ष्मदर्शी, इसमें ये सामान चाहिए इस प्रैक्टिकल करने के लिए। कार्य विधि में आपको क्या लिखना है? एक बीकर में चीनी का 10% घोल बनाकर उबालें। अब इस घोल में थोड़ी सी बोरोन मिलाएं, क्या मिलाएं? बोरोन मिलाएं, एवं ठंडा होने के बाद चीनी के घोल की एक दो बूंद हैलाइड पर रखी जाए, और उसके साथ साथ भिंडी या पोस्ट के कुछ परागकण निकाल कर रखो। अब इस हैलाइड का मेडिस एक धीमी ब्लीचिंग प्रेशर पर रखो और इससे मैट्रिस ढक दिया जाए, और 21 घंटे के बाद में हैलाइड पर कवर स्लिप रखकर सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन किया जाए। तो इस तरीके से आपको कार्यविधि लिखनी है। ओके, तो ये इसका चित्र है, ये इसका परीक्षण है, परीक्षण नोट कर सकते हैं। तो हम इसको पढ़ के नहीं बता रहे हैं, आप केवल आपको बता रहे हैं कैसे आएगी, कैसे आपको लिखी जाएगी। तो फ्रेंड्स हम इसको डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, केवल आपको इसी तरीके से क्या लिखना है, प्रैक्टिकल कॉपी लिखनी है बायोलॉजी की। ओके, दूसरा प्रैक्टिकल है शुद्धता तथा जीवों की उपस्थिति का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट नंबर टू डालना आपको, ये इसका उद्देश्य है। विभिन्न स्थानों पर एकत्रित किए गए सैंपल में उपस्थित जीवों का अध्ययन करना, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आवश्यक सामग्री इसमें ये चाहिए, ये इसकी विधि है। ओके, चलिए ये इसके चित्र हैं, आप ये चित्र बना सकते हैं इसके, इस तरीके से चित्र दिखा रखे हैं, आप ये बना सकते हैं। ओके, ये इसका प्रेक्षण है, ये इसका निष्कर्षण है, ये इसकी सावधानियां हैं, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए। और विभिन्न कारकों वायु एवं कीटों द्वारा पराकरण के द्वारा पुष्प में अनुकूलन, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। इसका उद्देश्य यही है कि मक्का में वायु पराकरण के लिए अनुकूलनों का अध्ययन करना, तो ये है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, आवश्यक सामग्री इसमें ये चाहिए, ये आपको नोट कर लेना है। ओके, और नेक्स्ट वाली हेडिंग लगानी है मक्का में वायु द्वारा पराकरण के लिए अनुकूलन, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ओके, इस तरीके से इसमें आपको प्रैक्टिकल लिखना है, और ये प्रैक्टिकल का एंड हो जाता है। प्रैक्टिकल नंबर 4 आता है इसमें उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है कि पक्षी द्वारा परागकण के लिए अनुकूलन का अध्ययन करना, और इसमें हेडिंग लगानी है आवश्यक सामग्री, और इसमें हेडिंग लगानी है आवश्यक सामग्री, इसमें सामग्री ये चाहिए, ये आपको ये प्रैक्टिकल की लाइन है, इसमें लिखनी है क्या क्या चाहिए इसके अंदर। आप ये पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है इसका बायोलॉजी का, इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। क्या है कि कार्बोहाइड्रेट विधि द्वारा माध्य समष्टि घनत्व का अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य है।
ये इसका उद्देश्य है कि कार्बोट्रेट विधि द्वारा कृषि क्षेत्र में पौधों का घनत्व ज्ञात करना। ओके, ये आवश्यक सामग्री है, ये आवश्यक सामग्री इस तरीके से नोट कर सकते हैं। और ये है कार्य विधि, ये किस तरीके से काम करता, किसी भी क्षेत्र में पौधे की गणना करना उसकी सहायता से की जाती है कि पौधे की डेंसिटी क्या होनी चाहिए। तो आप ये नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। ये इसका चित्र है, आप चित्र बना सकते हैं। ये इसका परिणाम है, ये परिणाम नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है बोर्ड एग्जाम में, इसके लिए प्रैक्टिकल के लिए। तो प्रैक्टिकल है ये बायोलॉजी का, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है इसके अंदर। स्थायी हेलाइड में वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरण, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 ये, इसका उद्देश्य है कि स्थायी हेलाइड में इस तरीके से ये दे रखा है। आवश्यक सामग्री इसकी ये है, पेंसिल, सूक्ष्मदर्शी प्रैक्टिकल नोटबुक या घास के परागकित पुष्प की स्थायी हेलाइड। ये कार्यविधि है, ये कार्यविधि इस तरीके से रखी है। ओके, चलिए इसका प्रेक्षण यह है कि हेलाइड में पराग नलिका के अनुकरण एवं वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं, ये इस तरीके से रखी है। ये सावधानी है, सावधानी नोट कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट नंबर 7 आता है उद्देश्य कि तैयार वंशावली चार्ट के सहायता से अनुवांशिक लक्षण का अध्ययन करना। आवश्यक सामग्री इसकी ये है, ये इसकी विधि है। ओके, ये इस तरीके से इसका पूरा आपको प्रैक्टिकल लिखना है। ये इसका चित्र है, चित्र बना सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि तैयार वंशावली चार्ट की सहायता से क्या करना हमें, अनुवांशिक लक्षण ज्ञात करना है इसका। और एक्सपेरिमेंट नंबर 8 आता है कि विभिन्न रंगों एवं इसके आधार पर बीजों की सहायता से मेंडलीव की वंशगति का अध्ययन कीजिए। तो मेंडलीव की जो वंशगति का अध्ययन है वो इस तरीके से होता है कि उद्देश्य क्या है कि मटर के बीज में मेंडलीय द्विशंकर कोष 9:3:3:1 के अनुपात की वंशागति का परीक्षण कीट। फिर लगेगी हेडिंग आवश्यक सामग्री, मटर के 560 बीज, पेंसिल 4 पर बिकर प्रैक्टिकल नोटबुक तथा ट्रे। इस तरीके से कार्यविधि है, आप ये बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और ये है रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग है इसका परिचय कि मानव के रुधिर अणुओं की सहायता पर माइको प्रोटीन होते हैं। ये आपको इस तरीके से परिचय करना है इसका, रुधिर वर्ग का। इसका आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पलक्स बोलते हैं इसको, पर एक प्रकार का एंटीजन होने पर इस तरीके से प्लाज्मा। ये दे रखा है कि रुधिर कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का होता है, मतलब ए रुधिर वर्ग होता है, बी रुधिर वर्ग होता है, ए बी रुधिर वर्ग होता है, ओ रुधिर वर्ग होता है, इसके रुधिर वर्ग हैं। तो इस तरीके से हमने आपको कितने 8 प्रैक्टिकल इसके दिखा दिए हैं, तो आप ये नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आती है बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल कॉपी, और ये प्रैक्टिकल कॉपी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके के और प्रैक्टिकल चाहिए अच्छे राइटिंग में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और इस तरीके के प्रैक्टिकल की कॉपी आपको दिखा दी जाएंगी बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके आपको मिल जाएगी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, और दोबारा से बायोलॉजी की मिल जाएगी अच्छे राइटिंग में। ओके फ्रेंड्स।